सब्सक्राइब कीजिए डीडीएन न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। भाजपा का मास्टर स्ट्रोक, बेनीवाल के बाद अब किरोड़ी को भी अपनी टीम में किया शामिल। नमस्कार दोस्तों, विधानसभा चुनाव में मिली हार का बदला लोकसभा के सियासी जमीन पर लेने के लिए रणनीति बना रही भाजपा ने सप्ताह भर में दूसरी बार मास्टर स्ट्रोक मारा है। मिशन 25 को साधते हुए भाजपा ने करीब सप्ताह भर पहले हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन करने के बाद अब गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। किरोड़ी सिंह बैंसला ने दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट में बताएं कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। दोस्तों, राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने किरोड़ी सिंह बैंसला को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस दौरान किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि वे पिछले 14 साल से आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी दौरान दोनों सरकारें भाजपा और कांग्रेस के सीएम के साथ ही सरकार की नीतियों को देखा है, दोनों पार्टियों की विचारधाराओं को अच्छे से देखा है और परखा है। बैंसला ने कहा कि उन्हें पीएम मोदी की कार्यशैली प्रभावित करती है, उनमें जो क्वालिटी है वह बहुत रेयर है। इस दौरान बैंसला ने खुद और बेटे विजय बैंसला के भाजपा में शामिल होने का ऐलान किया है। कर्नल बैंसला ने कहा कि वे पार्टी में किसी पद और हैसियत के लिहाज से नहीं बल्कि साधारण कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे। वहीं बैंसला के भाजपा में शामिल होने के बाद राजस्थान के सियासी जमीन पर पारा चढ़ गया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि किरोड़ी सिंह बैंसला के भाजपा में आने के बाद पार्टी को अब गुर्जर वोट बैंक को साधने में मदद मिलेगी। खासतौर पर पार्टी की राह पूर्वी राजस्थान की सीटों पर कुछ आसान हो सकती है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान की कई सीटों पर गुर्जर समुदाय का प्रभावी असर है। आपको बता दें कि इससे पहले भाजपा ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन करते हुए बड़ा दाव खेला था। इस गठबंधन के दौरान भाजपा ने नागौर लोकसभा सीट को बेनीवाल के लिए छोड़ी है। इस गठबंधन के जरिए भाजपा जाट वोट बैंक को साधने के लिए रणनीति बना रही है। वहीं पिछले एक सप्ताह के बीच राजस्थान के दो बड़े नेताओं का झुकाव भाजपा की तरफ होने के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। जानकारों का कहना है कि दोनों मास्टर स्ट्रोक के जरिए भाजपा ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। इन कदमों के बाद कांग्रेस की सियासी राह में कुछ चुनौतियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।